सभी का स्वागत करता हूँ, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज अब हम एक कंटेंट लेके आए हैं इंस्टाग्राम के ऊपर ही। तो इंस्टाग्राम में एक नॉर्मल अकाउंट होता है, एक प्रोफेशनल। नॉर्मल अकाउंट से प्रोफेशनल अकाउंट में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है या बदला जाता है या ट्रांसफ़र किया जाता है या चेंज किया जाता है वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप अपने अकाउंट को लॉग इन कर लें इंस्टाग्राम पर। तो लॉग इन कर लेंगे आप तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड होगा, ये दिख रहा है, ये मेरा ऑफिशियल वेबसाइट है और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है और यहाँ पे आप मेरी आईडी को फॉलो जो करना चाहते हो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जाना होगा तो इन लाइन में यहाँ पे सेटिंग में जाओगे। सेटिंग में जाने के बाद में आपको आना है अकाउंट में। अकाउंट में आने के बाद में आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ पे ऐड न्यू प्रोफेशनल अकाउंट पे ओके करना। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे जो गेट ए फ्री प्रोफेशनल अकाउंट, तो इसका हम सबसे पहले उदाहरण बता देते हैं कि प्रोफेशनल अकाउंट जो होता है वो एक तरीके का, मान लीजिए प्रोफेशनल बिजनेस, दो तरीके के अकाउंट होते हैं इसमें भी, तो हम आगे जानेंगे। आप एक बार इसको आगे स्क्रॉल करते चले कंटिन्यू ओके करना। ठीक है, अब यहाँ पे आता है ऑप्शन, यहाँ पे आता है ऑप्शन बहुत सारा। आप अगर आर्टिस्ट हो कोई, मतलब कोई म्यूजिक वगैरह देता है या कोई सिंगर है, कोई आर्टिस्ट है, कोई एक्टिंग करता है तो आर्टिस्ट में आ जाएगा, म्यूजिक वाला म्यूजिक में, कोई ब्लॉगर वगैरह तो ब्लॉगर में, कम्युनिटी मतलब किसी की कोई कम्युनिटी बनी हो उस पर देख सकता है, एजुकेशन में देख सकते हो, डिजिटल क्रिएटर पर देख सकते हो, एडिटर पर, राइटर पर, पर्सनल ब्लॉग हो, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। और लाइक जो वीडियो वगैरह बनाते हैं वो क्रिएटर स्टूडियो होते हैं, सभी क्रिएटर स्टूडियो होते हैं, डिजिटल क्रिएटर। डिजिटल का मतलब होता है कि किसी चीज़ के बारे में नॉलेज देना, कंप्यूटर संबंधी नॉलेज देना, ऑनलाइन सर्विस संबंधी नॉलेज देना, वो डिजिटल में आ जाएगा। क्रिएटर जो वीडियो वगैरह क्रिएट करते हैं वो उसके लिए आ जाएंगे। तो आपको जो सही लगे वो आप अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हैं, जो आप कार्य करते हैं, ठीक है, जो आपके अंदर टैलेंट है उसके ऊपर वो बना सकते हैं वीडियो और उसी के हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ओहदे दिए हुए, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लें। तो मैं यहाँ पे वीडियो क्रिएटर पे ओके कर देता हूँ। अगर शो करना चाहते हैं डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल शो, तो यहाँ पे ये जो टाइम लगता है 30 से 35 सेकंड लगते हैं, तो यहाँ से ये ऑन ऑफ, अगर ऑफ रहेगा तो वहाँ पे जहाँ पे अपनी प्रोफाइल होती है वहाँ पे दिखेगा नहीं, नीचे की तरफ आपके नाम के किस क्रिएटर में आप आते हो, तो यहाँ से ऑन करोगे तो वो दिखता रहेगा। ठीक है, तो हमने सिलेक्ट कर लिया, इसको ओके करते हैं। यहाँ पे 30 सेकंड लगते हैं, अगर नेट अच्छा हो तो जल्दी भी हो जाता है कई बार, अगर नेट ना अच्छा तो ये मान लो कि 1 मिनट भी लग सकता है। तो यहाँ पे वेट करेंगे, आ चुका है। तो अब यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, आर यू क्रिएटर, तो क्रिएटर का मतलब होता है जो वीडियो वगैरह बनाते हैं या कोई लाइक डांस की वीडियो बनाता है, गीत की, संगीत की बनाता है, तो वो तो क्रिएटर के आप ऊपर आते हैं वीडियो। बिजनेस, बिजनेस का मतलब होता है कि ऑनलाइन आप कोई भी यहाँ से सामान बेचते हो, खरीदते हो, ये सभी चीज़ें इसके ऊपर आएगा, बिजनेस के ऊपर। ठीक है, बिजनेस का मतलब होता है आपकी कोई शॉप है, कोई मोबाइल की शॉप है या कोई और ट्रांसपोर्ट की कोई दुकान है, माल इधर उधर बेचते हो, ये सब चीज़ें जो बिजनेस में आ जाएगा। बिजनेस का मतलब ये होता है कि क्रय विक्रय करना, सामान को खरीदना और बेचना। ठीक है, तो बिजनेस का अगर आप ओके करोगे तो बिजनेस की प्रोफाइल में वो कन्वर्ट होगा। क्रिएटर है तो क्रिएटर का तो मतलब हमने बता ही दिया है, तो ये चीज़ें एक सीधा सा सिंपल सी बात है, समझ आए। बिजनेस का मतलब होता है कोई व्यापार करना और क्रिएटर होता है कोई किसी छवि को दिखाना, बनाकर किसी रूप को। ठीक है, तो हम इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 स्टेप है हमारे पास, दो कंप्लीट हो चुके हैं ऊपर वाले, ग्रो योर ऑडियंस और शेयर कॉन्टेक्ट टू व्यू इनसाइट्स। तो हम अब कंप्लीट दो चीज़ें हो चुकी हैं हमारे पास, कंप्लीट योर प्रोफाइल और गेट इंस्पायर्ड। तो फिर दूसरा है जो ऑडियंस वाला, इसके ऊपर ओके करते हैं। और यहाँ पे ऑडियंस है वो किस तरीके से हमें प्रभावित करती है हम देखना चाहते हैं। यहाँ पे मैसेज का ऑप्शन दिया हुआ है, मैसेज नहीं करना हमें किसी को, इनवाइट मेल ये नहीं करना, और यहाँ पे हमें टिक करना है। तो ये 3 हो चुके, अब चौथा बचा लास्ट वाला शेयर कॉन्टैक्ट, इसके ऊपर ओके करते हैं। पोस्ट की कहता है तो हम कोई पोस्ट उठा लेते हैं और यहाँ पे ओके करते हैं, डन करते हैं, पोस्ट हो चुकी और हम
थोड़ा पीछे चलते हैं और फोर स्टेप थ्री है स्टेप है जब हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर, तो हमें किसी को शेयर और करना है मुझे लगता है, तो शेयर किसको करना है वो हम देखते हैं। अब हमें शेयर करना है तो शेयर एड योर पीपल, एड पीपल पे हम किसको सर्च करते हैं, इसको कर देते हैं और यहाँ पे नीचे दिया हुआ है आल्सो पोस्ट, ये तो वहाँ पे भी जा रही है और यहाँ पे इसको हम इनेबल करना चाहें तो यहाँ पे भी हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने टिक मार्क किया, वापस चलते हैं देखते हैं कि यहाँ पे जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड है वो हमें शो होने लग जाएगा। यहाँ पे नीचे लिखा हो चुका है, यहाँ पे आप जाके सभी चीज़ें अपनी यहाँ पे देख सकते हो। अब हमारा अकाउंट जो प्रोफेशनल में कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ पे देखिए प्रोफेशनल डैशबोर्ड ऊपर दिख रहा है और इस तरीके से आप यहाँ पे बैक जाओगे तो भी आपको ये सब चीज़ें दिखती रहेंगी। ठीक है, आप स्क्रॉल करते रहो सब चीज़ें दिख जाएंगी आपको। अब आती है कि यहाँ पे जो सेटिंग है वो आपको सभी किस तरीके से दिखेंगे, तो हम करेंगे इसके ऊपर ओके और हमें अभी सभी चीज़ें हाईलाइट यहाँ पे दिखने लग जाएंगी, पहले नहीं था बाकी अब यहाँ पे दिखेगा। डैशबोर्ड पे ओके करेंगे, जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड है यहाँ पे आप एड टूल्स पे जाके प्रमोशन के लिए प्रमोट के लिए ठीक ग्रोथ ब्रांड के लिए यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं और उसका पैसे लगा के उसको कर सकते हैं। सेटअप ब्रांड कंटेंट यहाँ पे सेट कर सकते हैं, आप अप्रूव करना चाहते हैं अप्रूव के लिए ओके कर दें यहाँ पे। फिर नीचे आता सेटअप सेव्ड रिप्लाई, यहाँ पे जितने भी रिप्लाई वगैरह आते हैं वो उसकी आ जाती है। उसके बाद एडिशनल रिसोर्स, ये कहाँ कहाँ से वीडियो लोग बाग देखते हैं, फेसबुक से देखते हैं कहाँ से देखते हैं, तो यहाँ पे आप ओके करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा सभी चीज़ें जो क्रिएटर में है जो वो यहाँ पे दिख जाएंगे। उसके बाद फेसबुक वाले यहाँ पे दिख जाएंगे ठीक है, और यहाँ पे अकाउंट पे जाके आप ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको 30 दिन की लास्ट की जो डेट है वो सब चीज़ें दिख जाएंगी, आपके फॉलोवर्स कितने हुए इंक्रीज कहाँ कहाँ से आए हैं वो सब कुछ दिख जाएंगे। यहाँ पे आप ओके करेंगे कहाँ कहाँ से ऑडियंस आई है, 25 लोगों ने आपको अनफॉलो किया, फॉलो आपके हुए हैं 247, ओवरऑल 222 हुए हैं इसमें इस दिन के इस मंथ के। और उसके बाद टॉप लोकेशन देख सकते हैं, कंट्री कहाँ कहाँ से हुई है, दिल्ली जयपुर हांगकॉन्ग यमुला कामन। तो उसके बाद एज इसमें जो दिख रही है वो एज के सभी दिख जाएंगे ठीक है, लेडीज़ कितनी कितने साल से, मेंस कितने हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे दिखती जाएगी, कितने दिन का यहाँ पे है वो चीज़ें सब चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी, कितने घंटे का कितने टाइम का है वो यहाँ पे देख सकते हो आप ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको शो होती हैं। थोड़ा पीछे चलते हैं और उसके बाद टूल्स पे ओके करेंगे, तो टूल्स का मतलब ये कि मैंने आपको बता ही दिया है यहाँ पे आपको जितने पैसे लगाने हैं पैसे लगा कर आप अपनी यहाँ पे जाएंगे और उसके बाद में आप सर्च करना चाहें सर्च करके आपकी कोई भी चीज़ है यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। तो ये आज का वीडियो इसी के ऊपर था, वीडियो कैसा आपको लगा, वीडियो पसंद आया एक लाइक करें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसी मैं वीडियो इंटरेस्टिंग लेके आता रहता हूँ अपने चैनल में। आज के लिए इतना, धन्यवाद, जय हिंद। साथ ही साथ मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो जरूर करें।